YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जपला छतरपुर पथ निर्माण कार्य जारी होने की वजह से मार्ग पर प्रायः यातायात जाम की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। पथ निर्माण कार्य में प्रगति की वजह से दिन भर धूलकण हवा में उड़ते रहता है और भारी परेशानी का सामना कर रहे लोगों ने आज एकजुटता दिखलाते हुए जपला छतरपुर पथ को घंटों जाम कर दिया और रोज पर नारेबाजी भी की। दुकानदारों ने बताया कि हवाओं में उड़ते धूल और यातायात जाम से उन्हें भारी दिक्कतें पेश आती है। निर्माण कार्य में लगी कंपनी को इसकी जरा भी सुधी नहीं। कहा कि निर्माणाधीन मार्ग पर पानी की नियमित छिड़काव नहीं की गई तो आने वाले समय में वे उग्र प्रदर्शन को भी बसोंगे। पटाया गया, उसके बाद इसको बंद हो गया पानी पटाना। हम लोग प्रशासन को दो तीन बार फोन भी किए। दूसरी बात है कि हम लोग पाँच सात लड़के बड़े बाबू के पास गए थे कम से कम 15 दिन पहले, तो दो दिन पानी पटा, वो भी ऐसा पटता है कि 5 मिनट के बाद वो सूख जाता है। हम लोग को सिर्फ ये डिमांड है इस रोड पर पानी पटे और पूरा पटे ताकि हम लोग डर से ग्रस्त ना हो। और जो नेता आते हैं इस जगह सब लोग को बोलते हैं कि जो नेता अभी चेयरमैन के लिए पार्षद बन गया है, हम लोग इस रोड वाले कोई भी वोट नहीं देने के लिए तैयार है। और कोई भी आके प्रशासन हो चाहे कोई भी हो आके देख ले हाँ कि हम लोग किस तरह ग्रस्त हैं। जब तक जाम रहेगा ही, जब तक यहाँ प्रशासन नहीं आएगी हम लोग को पानी नहीं पटाया जाएगा। चाहे उसके लिए 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, हफ्ता दिन लगे, पानी ऐसा पटे जिससे गर्दा ना उड़े। आम आदमी का हाथ ये नहीं कि पटा दिए थोड़ा सा, उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद उड़ने लगे।